पूछूंगा कि कई लोग जैसे कुकर वुकर में बनाते हैं तो उसमें सही बन जाता है मटन? कुकर में एकदम सही तो बनता है पर वो टेस्ट नहीं आता वैसा। हाँ सही है, बनाते हैं नहीं बनाते हैं। उससे क्या होता है वो काटते हैं, काट के अपन को देते नहीं, जैसे काट के दे रहे हैं तो अपन एक पानी से निकाल सकते हैं, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर वो तो भूखा ही होता है, तीन चार पांच से डूब जाते तो पूरा माल तो निकल जाएगा उसका, तो ताकत वो तो निकल जाता न्यूट्रिशन, क्या फायदा है। तो इसलिए मैं धोता ही नहीं, जो मीट में मजा है तो मैंने धोया बनाओ उसमें मजा है। जिंगल। हाँ सब कम हो गया सेट। हाँ सब कम। तो भाई बन के एकदम रेडी है, क्या बोलते हो अंकल जी इसको? लाल मांस। लाल मांस। हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम है कंगाना लाल मांस टेक अवे। लास्ट टाइम हमने आपको इनकी मटन करी की फुल मेकिंग दिखाई थी, तो आज हम एक को नए रेसिपी के साथ फिर से आ चुके हैं। तो आज हम आपको लाल मांस की फुल मेकिंग करके दिखाएंगे किस प्रकार यहाँ पर लाल मांस तैयार किया जाता है। तो आप हमारी वीडियो मिनट तक बना रहे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज जो कि इंडियन जैक एक्सप्लोर उसको भी फॉलो करना ना भूले। तो बिना किसी देरी के मेकिंग स्टार्ट करते हैं। कैसे हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सुकाम फर्स्ट क्लास। हाँ सर। आजकल घर से बनाते हो? हाँ घर से बनाते हूँ। कितना किलो बना रहे हो? 4 kg बना। नमक डाल रहा हूँ तेल फाड़ने के लिए। और बताओ क्या बना रहे हो आज? वैसे आज हम लाल मटन बना रहे हैं। हुकम। क्या क्या चीजें? दालचीनी है, काली मिर्च है, डोटा है, तेज पत्ता है। अंकल जी मटन के झटके वाले लेते हो कैसे लेते हो? झटका वाला आता है। 4 kg। 4 kg कितने किलो वाला बकरा होगा ये? लगभग 10-12 kg का। 10-12 kg किलो का। हाँ सर। प्योर बकरे का मीट? हाँ सर प्योर है, प्योर है, कटा के लाता हूँ सामने ले। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे गाँव वाँव में वैसे भी धोते नहीं है मटन। हल्दी डाल दूंगा उसमें। हल्दी अंदर जी। वैसे कितना टाइम हो गया आपको नॉनवेज बनाते हुए? 35 साल। 35 साल हो गए क्या? अब मेरे को 55 साल की उम्र हो गई है। 55 साल में 15 साल का था। बाकी तब से मटन बना रहे ना? बहुत बढ़िया। 20 साल से तो परफेक्ट बनाने लग गया कहने का मतलब। पहले तो गाढ़ बार दाल डोसा के साथ बनाते थे, पापा के साथ बनाते थे। कई लोग जैसे कुकर वुकर में बनाते हैं तो उसमें सही बन जाता है मटन? कुकर में एकदम सही तो बनता है पर वो टेस्ट नहीं आता वैसा। कढ़ाई में रखो दो कढ़ाई। अंकल जी इसमें आपने पानी डाल दिया है ना? हाँ। अब क्या करते हैं? अब मिर्ची डाल दूंगा। धनिया।
मटन, जैसे अपन मटन को धोए नहीं तो कैसा क्या फायदा रहता है? जैसा उसमें क्या होता है कि जैसे आज अपन बकरा कटा के लाते, बकरा कटा के लाते तो वही चार पांच बार धो लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है वो काटते हैं, काट के अपन को देते नहीं, जैसे काट के दे रहे हैं तो अपन एक पानी से निकाल सकते हैं, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर वो तो भूखा ही होता है, तीन चार पांच से डूब जाता तो पूरा माल तो निकल जाएगा उसका, जो ताकत है वो तो निकल जाता, न्यूट्रिशन क्या फायदा रहता है, इसलिए मैं धोता ही नहीं। जो मीट में मजा है तो बने धोया बनाओ, उसमें मजा है। पहले तो हमारे क्या करते थे गांव में, काट लिया बकरे को, बस काट के उसको छोटे छोटे पीस करके धो लिया, जब बनाना आता था। पंकज जी, आपने मटन कितने साल से छोड़ रखा है? कम से कम 6-7 साल, 6-7 साल से मटन नहीं खा रहे। जैसे कम मीट स्वाद होता है, बनाने वाला कोई स्वाद नहीं होता है, मीट का एक अमाल होता है, मीट अच्छा आएगा तो मीट अपने आप अच्छा बनेगा, और मीट अच्छा नहीं होगा तो स्वाद क्या होगा अच्छा आपने? मीट पे ठीक है, और भी अगर करते हैं जी, जब पहले आप मटन वगैरह बनाते थे बहुत पहले सालों पहले, अभी इतना लहसुन डालते थे क्या? जब नहीं था लहसुन, कहाँ था, अभी स्वाद के लिए डाल रहा था, थोड़ा बहुत पहले कहाँ था तेरा लहसुन, कहाँ पीसी हुई मिर्चा मिलती थी, पत्थर पे पीस के डालते थे, हर चीज खड़ी डालते थे, और पत्थर पे पीस के डालते, और प्याज भी बहुत कम ही डालते होंगे, प्याज थे ही नहीं थे, जब प्याज होते थे तो कितने होते थे कि वो अपन गर्मी गर्मी खा लेते थे, व्हाइट वाले प्याज होते थे कहीं, अच्छा तरीका का लाल फाल नासी कर फासी कर कुछ नहीं होते थे कुंजी टाइम, बस ये होते थे सफेद प्याज जो को गर्मियों में बांटते थे, सर्दियों में गर्मियों में काट लेते थे, 3-4 महीने खा लेते थे, बस ठीक था, उतारने की टाइम डालूंगा भाई। अच्छा दही इतना बाद में क्यों डालते हैं गली? दही से क्या होता, दही डालते हैं ना तो एकर का मीट बावड़ेगा, क्या मटन बहुत सा कच्चा पड़ने का होता है, अच्छा फिर अपन 2-4 मिनट पकाएंगे ना वो पक जाएगा, टाइट कर देता थोड़ा सा, टाइट करता थोड़ा सा, टाइट कर देता है। तो दुकान पे कितने बजे के लगभग जाते हैं यहाँ पे? 5:30 बजे। और बनाना कितने बजे शुरू करते हो मटन चिकन? बनाते तो मैं 2-2.5 घंटे तक रख देता हूँ, 2-2.5 घंटे तक रख देता हूँ, तो एक बार शाम को देते हैं तो थोड़ा बना के पेज रखने से पासा गर्म करके खिलाते हैं तो बहुत बढ़िया बनता है, टाइम खा के रखता ना। हाँ सही है, जमाते हैं दूध लाते, भाई बिल्कुल एंड में दही डाल दें, जिंगल। हाँ सब कम हो गया सेट। हाँ तो भाई बन के एकदम रेडी है, क्या बोलते हो जी इसको, लाल मांस? लाल मांस